बड़ा फैसला है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पद पर आने के बाद में, आपकी जिम्मेदारी कितनी समझते हैं आप? नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन का आज मुझे अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। मैं सबसे पहले नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने बैठ के और निर्विरोध जो है निर्वाचित किया है। और आगामी हमारी जो प्राथमिकताएँ रहेगी वो रहेगी कि नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन उन विकास की ऊँचाइयों पर जाए। हमारे यहाँ नागौर जिला के जो प्रतिभाएं हैं गांव डाणी खेत तक, उनको हम आगे लाकर और सारे संसाधन जुटाकर उनको पूरी सुविधा मुहैया करवा कर और उन खिलाड़ियों को आगे भेजने का काम करेंगे। और नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए हम पूरे एकता के साथ, पूरे संगठन से, एक अच्छी सोच के साथ में हम मजबूत करने का काम करेंगे, जिसे हमारे राजस्थान में नहीं अभी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर, क्रिकेट जगत के अंदर नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन का नाम हो, उसकी एक अलग पहचान हो, अलग साख हो। आप जिस जिले से आप अध्यक्ष बने हैं, वहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष भी हैं, आरसीए के सचिव भी रहे हैं, राजेंद्र जी नांदू है, उनके और आपके संपर्क जो है वो कैसे रहेंगे और कैसे आप पार लगाएंगे? देखो, मेरा ध्येय और लक्ष्य है कि मैं इस खेल जगत के अंदर हम आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर और खिलाड़ियों को, उन प्रतिभाओं को वो सुविधा मुहैया करवा कर और उन प्रतिभाओं को निखारने का काम हमें करना है, उनको आगे उन ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम करना है। तो हमारा ध्येय और लक्ष्य एक रहेगा इस एसोसिएशन के अंदर, विशेष में नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की बात करूं कि इस नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन में अभी संसाधन की बहुत ज़्यादा कमी है, सुविधाओं की कमी है, यहाँ अकेडमी नहीं है, स्टेडियम नहीं है। आज जिला क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम होना चाहिए, एक अकेडमी होनी चाहिए जिससे हमारी प्रतिभाओं को वो सुविधाएं मिल सके। वहाँ अकेडमी होने के बाद में होस्टलिंग की, लॉजिंग की, कोचिंग की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को, उससे वो खिलाड़ी वंचित है। तो हमारा आगे लक्ष्य ये रहेगा कि नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन का खुद का अपना स्टेडियम हो, उसमें अकेडमी चले, उनकी लॉजिंग की, आपके होस्टलिंग की, उनकी अन्य सुविधाएं भरपूर तरीके से उनको मिले, जिससे जो है हमारे खिलाड़ी एक मजबूत तरीके से एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में निखरे। और उन खिलाड़ियों को हमारा लक्ष्य रहेगा, हमारा सोच वो रहेगा, एक सकारात्मक सोच के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि वो खिलाड़ी हम निकालेंगे जो इंडिया टीम के अंदर खेले, ऐसी प्रतिभाओं को हम आगे भेजने का काम करेंगे। देखो, क्रिकेट को राजनीति से बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपस में जो द्वेषता और मतभेद है उनको भुलाकर हम सबको एक सोच के साथ में, एक अच्छे सकारात्मक सोच के साथ में बैठकर विचार विमर्श करना पड़ेगा और एक अच्छे सोच के साथ में इन पार्टी पॉलिटिक्स से, इन राजनीति से ऊपर उठकर और एक खेल के प्रति, उस खेल जगत के अंदर हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का एक अलग पहचान हो, इस तरीके से हम अभी हमारे आरसीए के अध्यक्ष सीपी जोशी जी हैं, तो सीपी जोशी जी तजुर्बेदार हैं, उनको अब सेकंड टर्म है उनका, वो अध्यक्ष के रूप में एसोसिएशन को अच्छी तरीके से चलाए, लेकिन किसी कारण मतभेद की वजह से आज थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं ये चाहूँगा और मेरा ये सोच रहेगा कि हम अध्यक्ष जी से मिलकर और उनसे निवेदन करेंगे कि नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन में जो कमियां हैं उन कमियों को पूरी करें और उन सुविधाओं से लैस इस नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन को करें। तो ये निवेदन हम सीपी जोशी से करेंगे और सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हम जो है पूरा बैठ के इस क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसको मजबूत और सशक्त करने का काम करेंगे। नहीं, देखो, राजनीति क्षेत्र जो है वो थोड़ा हटके है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आर सी पी जोशी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आरसीए के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार जो है पूरी मदद कर सकती है, सुविधाएं दे सकती है, संसाधन मुहैया करवा सकती है, हम सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, तो ये फ़ायदा क्रिकेट एसोसिएशन को मिलेगा। आज हमारी सरकार है, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, हम राजनीति के ज़रूर हैं, लेकिन एक राजनीति से ऊपर उठकर
इस एसोसिएशन को हमें चलाना है और आपस में जो भी मतभेद है उन मतभेद को भुलाकर, उन मतभेद से द्वेषता से ऊपर उठकर हमें इस एसोसिएशन को मजबूत करने का ध्येय और लक्ष्य लेकर हमें चलना है। ललित मोदी को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो अब यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं? देखो, ललित मोदी यहाँ से अध्यक्ष बन के गए थे और आरसीए के अध्यक्ष रहे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब वो दो टर्म रह चुके और वो चले गए, क्योंकि लोढ़ा कमेटी आने के बाद में इसके इसका एक संविधान एक नियम अलग बन चुका। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ललित मोदी जी अपने कार्यकाल में जो भी काम करके गए वो अच्छा किया, उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं, उन्होंने अच्छे काम किए तो क्रिकेट जगत के अंदर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नाम ही जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर हुआ। लेकिन अब उनकी अपन चर्चा करें तो ये फालतू की बातें हैं, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। अब आरसीए के अध्यक्ष जो है सीपी जोशी जी हैं, तो सीपी जोशी जी के नेतृत्व में रहकर हम इस एसोसिएशन को और मजबूत और सशक्त करने का काम करेंगे और जो कमियां हैं उन कमियों को समय रहते पूर्ति करने का काम करेंगे और उन विभूतियों को उन गांव ढाणी खेत तक जो है हमारी जो विभूतियां हैं उन विभूतियों को हम कलेक्ट करके उनको सुविधा मुहैया करवा कर उनको संसाधन मुहैया करवा कर उन विभूतियों को निखारने का काम करेंगे। पहले जो यहाँ से अध्यक्ष रहे ललित मोदी वो नागौर जिले के निवासी नहीं थे, आप ही बीकानेर के निवासी है। कहा जा रहा है कि नागौर में सिर्फ अध्यक्ष बनने के लिए आते हैं, इसके बाद में उनको यहाँ से इस एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं। ललित मोदी और मेरे में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। नागौर मेरी जो है कर्मस्थली भी है और नागौर जिला से जो है मैं एक सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। जब बीकानेर पार्लियामेंट थी उस टाइम में एक असेंबली सेगमेंट जायल जो है बीकानेर पार्लियामेंट के अंदर आती थी। आज मेरे जो है काम धंधे यहाँ हैं, मेरा रेजिडेंस है, मैं यहाँ रहता हूँ। आम आदमी से जो एक राजनीति से मैं जब इस क्षेत्र में आया तो एक सांसद के रूप में पूरे नागौर ज़िले का भी प्रतिनिधित्व मैंने किया, क्योंकि हर मीटिंग के अंदर नागौर ज़िले की मीटिंग होती थी उसमें बीकानेर पार्लियामेंट का जो सांसद आता था उसका प्रतिनिधित्व पूरा रहता था। और मैं हमारा खान पान हमारा रहन सहन भाषा बोली चाली रिश्तेदारी सारी नागौर के अंदर, नागौर और नोखा के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, वो सीमाएं आपस में मिली हुई है। मैंने जन्म जरूर नोखा के अंदर लिया है लेकिन कर्म स्थली मेरी नागौर रही है और सेवा का क्षेत्र भी जो नागौर रहा है, तो उसमें मेरे को ललित मोदी को एक बराबर आंकना मैं समझता हूँ ये गलत है। आरसीए हमेशा दो दड़ों में बंटा रहा है, चाहे किसी का कार्यकाल रहा हो, अब नागौर की क्या भूमिका रहेगी आरसीए को चलाने के लिए? आरसीए को चलाने के लिए नागौर की जो भूमिका है उसमें एक सकारात्मक भूमिका रहेगी। हम मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि हम अच्छे सोच के साथ में, क्योंकि सीपी जोशी जी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व के अंदर हम काम करेंगे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जो सुविधाएं हम नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के लिए ले सकते हैं वो हम भरपूर लेने की कोशिश करेंगे। उनसे निवेदन करेंगे कि हम जो है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है नागौर जिला क्रिकेट एसोसिएशन कैसे ले सकती है, उस सोच के तहत हम काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आरसीए के तहत हम जो है फंडिंग हो, चाहे हमारे संसाधन हो, चाहे हमारे सुविधाएँ हो, वो सुविधाएँ हम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से लाने का काम करेंगे। देखो, क्रिकेट क्रिकेट से हमेशा जो मैं स्कूलिंग के टाइम से और कॉलेज टाइम से इस खेल जगत के अंदर जुड़ा रहा हूँ, चाहे क्रिकेट की बात करो चाहे फुटबॉल की बात करो, कबड्डी तीन चार जो है मैं खेलता था, तो उसमें हमेशा खेलों के प्रति जो है मेरा हमेशा लगाव रहा है। राजनीति में आने के बाद में भी इन खेलों के प्रति जो है हमेशा समर्पित रहा हूँ और हमेशा इस सोच के साथ काम किया कि राजस्थान के अंदर हमारी विभूतियों को मौका मिले। आज हमारे पास में जो है सीमा पे जो है हरियाणा स्टेट है, आज हरियाणा की विभूतियां जो है इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, उन्होंने हरियाणा स्टेट का नाम किया है, तो हमारा आगे जो है ध्येय और लक्ष्य रहेगा कि राजस्थान स्टेट से भी हमारी वो विभूतियाँ जो हमारी विभूतियाँ हैं उनको तराशने की ज़रूरत है, उन विभूतियों को सुविधा देने की ज़रूरत है, उनको आगे का रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, उनको जो है कलेक्ट करने की ज़रूरत है, तो ऐसी विभूतियों को लाकर उनको पूरी सुविधा मुहैया करवाकर हम राजस्थान स्टेट को भी पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे खेल जगत के अंदर अव्वल देखना चाहते हैं। क्रिकेट की बात छोड़ के देश दुनिया की बात करते हैं, देश में धारा 370 हटाई गई है, उस संबंध में क्या प्रतिक्रिया देंगे आप?
देखो, इसके बारे में ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, तो मैं इसमें इतना सक्षम नहीं हूँ। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है इसके बारे में आपको जो है आपने देखे क्या रहेगी आपको? नहीं, मेरा व्यक्तिगत जो है ये रहेगा कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो बैठा है उसके बारे में आपको जो है ना कुछ बता सकता है। थैंक यू।